एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10, जिसमें हम हमारी जो वर्कबुक है वो फिनिश कर रहे थे। उसमें हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, उनको फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे, मतलब कैचिंग वाला, बॉल कैचिंग। तो उसमें जो बच्चे विन हुए थे उसकी बात की थी। फिर उसके बाद 1 to 30 के नंबर लिखे थे, और उसमें हमें ये नंबर में कोई नंबर मिस हो गया था, तो उसमें वो वाला नंबर हमें फाइंड करना था। तो उसके लिए हमने जो 1 to 30 के नंबर लिखे थे उसके हमने यूज किया, फिर उसके ऊपर हम जंप लगा दिए गए और वैसे हमने फाइंड किया था। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं तो अंडरस्टैंड यहाँ पे लिखा है कि एडिशन ऑफ 3 1-digit नंबर विथआउट कैरी। एग्जाम्पल दिया है हमें यहाँ पे, एड करना है कौन से तो 6 + 2 + 4। देखो यहाँ पे 3 digit दिए हमें और उनको हमें एडिशन करना है, तो उसकी कितनी मेथड है, 3 मेथड है। ये एग्जाम्पल को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, हम इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, तो कितने होंगे 8 + 4, इसको ऐड करते हैं इसे, तो अब कितने होंगे 12। ये फर्स्ट मेथड जो आपको ऑलरेडी दी। सेकंड मेथड 6 + 2 + 4, देखो सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करना है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो कितने होंगे 10 + 2, इसको हम यहाँ पे ला, तो भी कितने होंगे इसका आंसर 12। नेक्स्ट 6 + 2 + 4, 6 + 2 + 4 को हम ऐड कर देंगे, ये 6 + ये ऊपर से नीचे 6, कितने हुए 6 + 6, तो 12 हुए, कितने 12। देखो मैंने 3 वेव्स से ऐड किया, एडिशन किया, लेकिन उसका आंसर तीनों का कैसे है सेम। इसी तरह से हमें नीचे एग्जांपल दिए, यहाँ पे साइड में लिखा है फर्स्ट ऐड एनी 2 नंबर्स, सेकंड स्टेप ऐड 3rd नंबर टू द एडिशन, जो हमने 2 नंबर का एडिशन किया उसमें हमें 3rd नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो इस तरह से हमारे बाकी के जो एग्जांपल है वो हम फिनिश करते हैं। तो हमारे पास जो 3 मेथड है इसमें से हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं और ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिसमें 2 + 4 + 6, देखो यही है 2 + 4 + 6, तो इसको हम किस तरह से ऐड करेंगे, कुछ भी, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को मैच करता हूँ, ये कितने होंगे 10 और ये इक्वल कितने हो जाएंगे, ये 12, कितने हो जाएंगे 12। तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ, बाकी का और जो एग्जाम्पल दिया उसके बारे में बात करते हैं। तो 7 + 8 + 2, 7 + 8 + 2, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें मूवमेंट आपको चलेगा, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है 10 होने चाहिए, 8 + 2 10 होंगे और ये 7, ये भी 17 हो जाएगा। उसी तरह से 3 + 5 + 8, 3 + 5 + 8, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इन दोनों को मैच करते हैं, 8 + 8 कितने होंगे 16। इस तरह से आपको भी करना है, और भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक एग्जांपल दिया हमें,
तो उसके बारे में बात करते हैं, कौन सा है? तो 5 + 6 + 6 तो 5 + 6 कितने होंगे? 11 प्लस 6, 11 में 6 ऐड करेंगे तो 17, क्लियर। नेक्स्ट 4 + 5 + 6 तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, देखो ये 4 + 6 को हम ऐड करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 10 + 5 = 15। तो इस तरह से बाकी के भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, तो जैसे 9 + 3 + 4 हम इनका एडिशन कैसे करेंगे? चलो क्या करते हैं, दोनों ऐड करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 12 + 4 = कितने होंगे, 16। 12 + 4 = 16। उसके बाद (8 + 3 + 4) कितने होंगे, 11 + 4 ये कितने होंगे, ये 15। उसी तरह से 4 + 4 + 4 देखो ये वाला किसी भी तरह से हम कर सकते हैं, ये 4 दोनों को ऐड करेंगे या ये 4 को, तो दोनों का ऐड ही होगा और 4, तो ये भी कितने होंगे, 12 ही होंगे। उसके बाद 2 + 6 + 3 8 + 6 + 2 = 8 + 3 कितने हो जाएंगे, 11। देखो इस तरह से आपको जो जो डिजिट दो, कोई भी डिजिट ले सकते हो आप पहले एडिशन के लिए, और उसके बाद बाकी के डिजिट भी आप अपनी तरीके से बाकी का एक डिजिट ऐड कर सकते हो। इस तरह से जो बाकी के जो एग्जांपल है वो आपको अपनी तरीके से आराम से पहले नोटबुक में सॉल्व करना है, फिर इसमें लिखना है। नेक्स्ट पेज नंबर 111 पे सेम टू सेम सॉरी 112 पे और एक एग्जांपल दिया हमें अंडरस्टैंड करके, वहाँ पे एक एग्जांपल है कि एडिशन करना है 296, कौन से 296। फर्स्ट स्टेप अरेंज द नंबर वर्टिकली, सेकंड स्टेप ऐड द फर्स्ट टू नंबर, थर्ड स्टेप एंड द थर्ड नंबर टू द एड। तो देखो यहाँ पे 3 नंबर दिए थे, फर्स्ट स्टेप में क्या किया उसने, अरेंज किए मतलब अच्छे से लिखे, फिर उनमें से टू नंबर को क्या किया, 2 नंबर का एडिशन किया पहले, फिर वो जो 2 नंबर है उसका एडिशन जो आया वो उसके बाद जो थर्ड डिजिट है उसके साथ उसको एडिशन किया। और इसे जैसे हमने ये करते थे बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन इसमें क्या है ये हम इस तरह से करते हैं, वो इस तरह से करना है, तो ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, उसकी बात करते हैं चलो एग्जाम्पल की। तो 296 ऐसे दिया है, सबसे पहले क्या करना है हमें, अरेंज किया अच्छे से, फिर 2 डिजिट का पहले एडिशन, तो मैंने क्या करता हूँ ये 5 डिजिट का 2 एडिशन, कितना होगा इसका एडिशन, 11।
कितना होगा 11। उसके बाद ये सिक्स नंबर क्या करता हूँ मैं ऐड कर दूँ, 11 प्लस 6 कितने होंगे 17। ओके ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 2 प्लस 9 प्लस 6, तो 2 प्लस 9 11 प्लस 6 17, वो हम पहले कर चुके बिल्कुल इसी तरह से ये आ गया। चलो अब एक्स्ट्रा जो हमारे पास एग्जांपल है उसकी बात करते हैं। तो देखो 5 4 2, 5 प्लस 4 प्लस 2। ओके तो इसमें क्या करते हैं पहले हम, चलिए ये दोनों का एडिशन कर दिया, क्या हो गया दोनों का एडिशन 6 और पर ऑलरेडी 5 तो है, तो 5 प्लस 6 कितने होंगे 11। तो इसका आंसर क्या आएगा 11। आप सीधे इधर भी लिख सकते हो। उसी तरह से पहले आपको ये एग्जाम्पल किसमें करने हैं, नोटबुक में, फिर उसका जो आंसर है वो लिखना है आपको। यहाँ आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एडिशन का ऐड करते हो उसके ऊपर आप इस तरह से बॉक्स भी बना सकते हो, वो आपकी। नेक्स्ट 7 2 8, सेवन प्लस टू प्लस एट, ये जो एग्जाम्पल इसके बारे में, चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं नीचे वाले को ऐड करते हैं, क्योंकि ये कितने हो जाएंगे 10 और ये 7 7 प्लस 10 कितने होंगे, ये भी 17। इसका आंसर भी क्या आएगा 17 ही आएगा। और एक एग्जाम्पल दिया है 9 प्लस 3 प्लस 1, तो क्या कहेंगे हम 9 प्लस 1 ये दोनों का एडिशन करेंगे कितना होगा 10। तो 10 में 3 ऐड कर दीजिए तो 13, इसका आंसर आएगा 13। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। चलो और एग्जाम्पल है वो लेते हैं, तो 7 प्लस 4 प्लस 7, 7 4 प्लस 7। अब यहाँ पे क्या करें, पहले इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को पहले इन दोनों को, कोई भी आंसर सेम है, 7 प्लस 4 कितने होंगे, तो इसका होगा 11 प्लस ये वाला नीचे वाला 7 ऐड करें, 11 प्लस 7 18, इसका आंसर क्या आएगा 18। और 6 प्लस 4 प्लस 5, कितने होंगे 6 प्लस 4 कितने होंगे, ये दोनों होंगे 10 प्लस 5 ऐड करेंगे, 5 प्लस 10 15, यहाँ पर आंसर आएगा 15। उसके बाद देखो एक नया सा है, 2 प्लस 6 है, क्या है 2 प्लस 6, यहाँ पे देखो 0 का तो कोई एडिशन करना ही नहीं, सीधे इनका एडिशन करते कितना होगा ये 8 8 प्लस 0, तो इसका आंसर भी 8 को ही आंसर होगा, 8 ही आंसर आएगा। देखो कोई भी
डिजिट का जीरो के साथ हम जब भी एडिशन करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 8 आंसर आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो एग्जांपल थे इसके आंसर आपको इस तरह से करने हैं। नेक्स्ट बाकी के जो एग्जांपल है वो आप अपनी तरह से सॉल्व कर देना। देखो और एक यहाँ पे एक एडिशन करना है अलग तरह से, जैसे कि यूजिंग द गिविंग द डिजिट मेक टू डिफरेंट मेथड ऑफ एडिशन एंड पर एग्जांपल, जिस तरह से एग्जांपल दिया है उस तरह से आपको एडिशन करना है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, कितने टू वे में, टू डिफरेंट वे। तो यहाँ पे देखो 8 1 4 9 2 3 6 7 4 0, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 to 9 के डिजिट दिए और हमें 1 to 9 के डिजिट यूज़ करके 10 टू डिजिट वाला डिजिट यूज़ नहीं करना है, 1 डिजिट वाले तो कौन से होंगे, 0 to 9 ही होंगे। इनका यूज करके हमें ये जो एग्जांपल दिए उसके टू डिफरेंट डिफरेंट मतलब मेथड में हमें उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी 1 मेथड करके दिए और बाकी की जो 1 मेथड है वो आप अपनी तरीके से कर सकते हो। चलो मैं भी सिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले है 16। अब 16 को कैसे करेंगे हम, तो 16 को हम करते हैं पहले 6 + 4 + 6। देखो 6 + 4 = 10, 10 + 6 = 16 हो गए, इसका एक वन ये वे हो गए। और भी दूसरी तरीके से भी हो सकता है, यस हो सकता है। चलो करते हैं तो किसे 8 + 4 + 4 अब देखो ये भी हुआ ना 8 + 4 = 12, 12 + 4 = 16, ये भी 16 होता है। चलो इसका फिनिश। नेक्स्ट 9, चलो 9 को कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 + 3 + 3, ये तो हो गए 3 + 3 + 3 9। अब दूसरा सेकंड कौन सा वे है, यहाँ पे मैं 2 + 4 + 3 इस तरह से मैं कर सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि चलो ये वाले डिजिट फिर से यूज नहीं होने चाहिए, ऐसे भी हम कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 + 5 करेंगे कितनी हो जाएंगे 7 + 2, तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट डिजिट वाले हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे भी करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, तो भी हो गए। देखो डिजिट डिफरेंट डिफरेंट डिजिट ही। 9 के बाद क्या है 15, 15 में क्या आएगा, 15 में सबसे पहले आएगा 5 + 4 + 6, ऐसे भी हो सकता है। दूसरा भी 3 + 7 + 3 + 8 रखते हैं 8 + 4, देखिए यहाँ पे 4 फिर से आए, तब क्या कर दिया यहाँ पे 9, 3 + 9 कितने होंगे तो 12, कितने होंगे 12 + 15 कर रहे 12 + 3, तो भी 30 हो गया।
इस तरह से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, तो आपको और जो एग्जांपल है वो आपको इस तरह से फिनिश करने हैं। आप घर पे अच्छे से ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर के जो बाकी के एग्जांपल है उसमें से जो थोड़े से एग्जांपल है 6 या 8 जितने, वो मैं आपको दोबारा करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता चले कि ये हम लोगों ने जो किया वो राइट है या रॉन्ग है। हमें क्या देखना है, 1 to 0 to 9 के डिजिट यूज करने हैं और उसका आंसर जो दिया है वो आना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।